सुरेंद्र भाई, यहाँ ना आज जैसे सेक्टर 92 के बारे में मैं बताऊंगा। सेक्टर 92 एक प्राइम लोकेशन का सेक्टर है। इसकी मेन रीजन है, जैसे जो ये आप रोड देख रहे हो, ये सीधा रोड यहाँ से आगे कनेक्ट हो जाएगा और ये आगे इस साइड में जो हम जैसे आगे जाएंगे तो लास्ट में अपना जो सीधा द्वारका और उस साइड में निकल जाएगा। इसके जस्ट आगे लास्ट में अगर चलेंगे तो ग्रीन बेल्ट, और ग्रीन बेल्ट के उधर जो है वो आईएमटी का एरिया पड़ गया, यानी कि जो आईएमटी है वो काफ़ी नज़दीक हो गया इसके। और इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है डीएलएफ का है। आप यहाँ सामने देखोगे आपको डीएलएफ, और इस साइड में आपको इसके प्रीमियम फ्लैट्स आपको मिलेंगे। आप पीछे गए थे जब हम आ रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पर उसके इंडिपेंडेंट जो विलाज वगैरह वो थे। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें यहाँ पर। अब यहाँ अपने पास में प्रोजेक्ट है, जैसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा उसका क्या एस्पेक्ट है, क्या उसका फ्यूचर है, वो भी आप पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ क्या है कि जो जेंट्री होनी है वो काफ़ी एरिया में है, मतलब आसपास में नियर अबाउट। अगर सराउंडिंग की मैं बात करूँ तो ये सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से, और एक ये जो अपना मॉल है जिसमें हम अभी चलेंगे, वो वहाँ पर फुटफॉल ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ना है। हाँ, क्योंकि जिस देखिएगा आप किस कैटेगरी के बीच में है, मेन चीज़ ये डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के बीच में। अब यहाँ सारे प्रीमियम फ्लैट्स और प्रीमियम जो विलाज वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शॉपिंग के लिए तो रिक्वायरमेंट है, उनको शॉपिंग के लिए तो कोई ना कोई प्लेस चाहिए, आउटिंग के लिए कोई प्लेस चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पास यहाँ पर एक जो ये अपना कॉमर्शियल साइट है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि एक तो रेजिडेंशियल लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है, रेजिडेंट हो गए, और दूसरा सबसे खास बात ये, इसके बिल्कुल बैक साइड में, अब इस रोड पे हमें इसके बैक की रोड पे चलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा अपना गुड़गांव यूनिवर्सिटी, और साथ में जाएंगे उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको गुड़गांव कॉलेज मिले। अब जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होंगे, जैसे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, यहाँ पर गैदरिंग बढ़ेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज दोनों चलेंगे, और एक प्रीमियम स्कूल यहाँ पर होगा, तो उनको भी घूमने फिरने के लिए कोई ना कोई मॉल वगैरह चाहिए। तो उन चीज़ों की ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर इस मॉल की सेटअप हुआ है। और रेट वाइज भी अगर हम कंपेयर करें आसपास के जो एरिया से, अगर हम उसका कंपैरिजन करें, तो रेट वाइज भी इकोनॉमिकल है। क्योंकि देखिएगा, आपको पता है कि न्यू टाउन 90 हाइट इधर हो गया, सामने डीएलएफ का हो गया, तो उसके रेट्स में और इसके रेट्स में कंपैरिजन अगर करें तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप ये मान के चलिएगा, देखो मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई कमी है, उसका अपना एक सेगमेंट है, उसके अपने एक रेट्स हैं, उसकी अपनी एक लॉबी है, और जिसमें हम चल रहे हैं उसका एक अपना सेगमेंट है। तो रेट वाइज कहीं ना कहीं भी अगर हम आसपास के उसको एरिया को कवर करें तो हाफ रेट में वो चीज़ें अपने को अवेलेबल होती है। तो ये न्यू टाउन 91 और डीएलएफ का कॉमर्शियल, एंड देन उसके बाद में अपना जो गैलेक्सिया 91 तो उस चीज़ के बारे में आपको कंपेयर करूँ। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, आप इंडिपेंडेंट अपना कोई लेना चाहेंगे, अपना शॉप लेना चाहेंगे, अपना शोरूम लेना चाहेंगे तो आप वो ले सकते हैं, आप उसमें प्री लीज लेना चाहेंगे तो आप वो ले सकते हैं। 50 लाख से यहाँ पर एंट्री शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, अगर 50 एंड ऑनवर्ड उससे ऊपर आप यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है, एक पॉइंट मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा। इन द टाइम मीन मतलब आपको लगभग नियर अबाउट फुल पेमेंट का जो टाइम पीरियड रहेगा वो लगभग 1.5 साल का करीब रहेगा, 1 से 1.5 साल का। और 1 से 1.5 साल में जब ये सारा, क्योंकि कंप्लीशन के ऊपर इसमें थोड़ा सा टाइम लगना, तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको एक अच्छा यहाँ पर जो रिटर्न है
वो मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया था कि अगर हम इसके उसकी बात करें, यानी कि जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह होगा, तो वो भी एक बहुत बेहतरीन आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। डे वन से हमें रेंटल इनकम आना शुरू होता है, और जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके जो इसका रेंटल का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ हाँ, ये कॉमर्शियल आ गया ना। अब ये जो कॉमर्शियल है यहाँ पर नियर अबाउट, ये जो डीएलएफ का कॉमर्शियल है ये सारा इसके सामने। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, कारण ये कि ये प्रॉपर मॉल है, प्रॉपर कॉमर्शियल, और ये एक सोसाइटी का वो आ गया पार्ट, तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कनेक्टिविटी को देखते हुए, अब यहाँ से सीधा हमें अगर पटौदी की तरफ जाना, पटौदी रोड में वो सादे राइट टर्न लेंगे तो सीधा पटौदी रोड में आ गया, लेफ्ट टर्न मैंने आपको बता ही दिया, और जस्ट अगर हम इसको पार करेंगे तो आईएमटी मानेसर का एरिया आ गया। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो अपना मॉल है इसको सेटअप किया जा रहा है। यहाँ पर सारी चीजें अब लेवल होगी, 4 फ्लोर का ये रहेगा, इसमें आपको एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल रहेगा, देन उसके बाद में आपको बार एंड लॉन्ग रहेगा, देन उसके बाद में आपके जो ब्रांड्स हैं उनसे लगभग टाई अप हो चुका है, कुछ एक से हो चुका है और कुछ एक से अभी होना बाकी है। तो इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर अगर आपके पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आपको अधिक जानकारी जो भी इसके बारे में, पहले भी मेरे एक दो वीडियोस आ चुके, उसमें भी आपको इसकी वीडियो मिल गई होगी, और इसकी जो डिटेल पूर्वक, अब इसकी एक लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, सबसे खास बात होती है कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी लोकेशन। यहाँ पर क्या है कि आपको इसका जो फ्रंटेज है ना वो काफ़ी प्राइम मिल रहा है। अब ये पूरा का पूरा फ्रंट आ गया भाई, ये देखो कितना फ्रंट है, ठीक है। और इसमें एक और खास बात है कि ये सारा एरिया अपना ग्रीन एरिया, देन उसके बाद में जो एंट्री पॉइंट होगा ना वो वहां से सेंटर से लिया जाएगा। एक बार अगर अंदर घुस गया पर्सन तो वो क्या है, यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट सेंटर से रहेगा। अक्सर क्या होती है, जो सोसाइटी की जो शॉप होती है उसमें आपने एक प्रॉब्लम देखा होगा कि जो फ्रंट की लाइन होती है ना उसके गेट बाहर की तरफ यानी कि रोड की तरफ खुल रहे हैं, जिसे क्या होता है कि कस्टमर आया और अपना जो भी परचेजिंग किया और अपना चला गया। लेकिन यहाँ पर इसका जो एंट्री पॉइंट है वो सारा सेंटर से आपको मिलेगा, ताकि जो कस्टमर यहाँ आ गया वो कस्टमर आपको एंड तक उस पूरे मॉल को विजिट करे। जैसे एम्बियंस मॉल आपने देखा होगा ना, एम्बियंस मॉल में क्या है कि आप एक बार अगर एंट्री करते हैं तो उसके बाद पूरा उसमें राउंड लेते हैं, पूरा उसका विजिट होता है। तो यानी कि जो अंदर के जितने भी, अगर जब बैक की कोई शॉप है, कोई शोरूम है, वहाँ तक जो कस्टमर है उसकी फुटफॉल होती है, तो उन्हीं चीज़ों को उसी तर्ज के ऊपर इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये एक आप अंदर का लें बाहर का लें, रेट वाइज तो थोड़ा सा फर्क रहेगा, आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर का रेट वाइज आपको डिफरेंस रहेगा। वो सारे डिटेल्स जब आप आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो गैलेक्सिया का 91 का प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और बहुत ज़्यादा बड़े आपको ज़रूरत नहीं, आप मिडल उससे स्टार्टिंग आपकी 50 लाख से आपकी शुरुआत हो जाती है, देन उसके ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे वो उसके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये डीएलएफ का आ गया भाई, ये देखो। अब यहाँ पर क्या है कि आपके साथ में स्पेशल वो है स्टोर, छोटे यहाँ पर आपके एक एक स्टोर खुलेंगे, लेकिन यहाँ आपको पूरे मॉल और उस तरीके से आपका डिज़ाइन तैयार किया गया है, ताकि जितनी भी ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और कोई भी एक चीज़ ध्यान में देखो कि अगर मान लीजिए स्कूल या आगे कॉलेज की साइट होगी, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और यूनिवर्सिटी होगी, तीनों पॉइंट हो गए। अब अगर उनका कोई स्टूडेंट, वहाँ के जो स्टूडेंट है वो अगर मॉल में आएंगे तो वो क्या करते हैं, वो इसकी बजाय, मतलब
मैं कंपेयर करता हूँ, अगर वो किसी सोसाइटी की शॉप में तो जाएंगे नहीं, उनको तो मॉल चाहिए ना एक प्लेस घूमने के लिए, बैठने के लिए, तो वो इस तरीके की लोकेशन को प्रीफर ज़्यादा करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये हो गया, इसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। किस रेट में जाना है वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, मेरे पास में जब आप संपर्क करेंगे मैं उसकी जानकारी आपको दे पाऊंगा। कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखा दी सामने की कनेक्टिविटी, देन उसके बाद में लेफ्ट और राइट और इसका पूरा मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। आ जाओ चलते आगे, आगे से चलेंगे फिर आगे से घूम के निकलेंगे। तो ये कुछ एक चीजें होती है जहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात होती है। और मैं कंपेयर करूँ अगर अपने जो उधर के हैं, जैसे मोस्टली मैं हरियाणा में अभी तक हिसार में काम किया था, तो हिसार की भिवानी फतेहाबाद वहाँ की मार्केट को देखते हुए ओवरऑल मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा कि यहाँ रिटर्न ज़्यादा है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए कि डे वन से आपको नियर अबाउट 8% का जो आपको ROI आना शुरू हो जाता है, बाकी टाइम के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता चला जाता है, और 8% बहुत अच्छा हो जाता है अगर आपको रेंटल आ रहा है। अगर आप संभाल नहीं पा रहे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप बाहर रह रहे हैं, आप किसी अदर सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो उसका एक अच्छा सा ऑप्शन ये होता है कि आप प्री लीज कर लीजिए। दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप अपना खुद का कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, खुद की चलाना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास में आप कहीं ऑलरेडी कहीं फॉरेन में सेटल है, या फिर आप किसी अदर कंट्री अदर सिटी के अंदर सेटल है, तो आप प्री लीज्ड का एक ऑप्शन रखिए। वो ऑप्शन बहुत बेहतर आपके लिए रहता है, वहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं होती, सारा मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का सारा खर्चा जो कंपनी उसको लीज पे लेगी, जिसके साथ में एग्रीमेंट होगा, उसका होता है, आपकी जिम्मेवारी नहीं होती, आपके जो आपके साथ में MOU हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो रेंटल इनकम है वो आती रहेगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी गुड़गांव की अपडेट्स होती है वो आप तक सही समय पे पहुंचते रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, सलाह लेने के लिए आप जो मेरा नंबर दिया हुआ उससे आप संपर्क करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।